Like a jet one, to kaya jump, do not mean different. Kahani ab sune honge ki American tej hai, aki Japanese tej hai, ki Indian tej hai. Kaha kiska test kiye. To wahan se ek itna bada box aaya Japanese ke paas. Kaha ki aapka test hota hai ki aapka technology kaisa hai. Japanese se baith karke sab baitha. Kaha ki aisa karisma kar dete hain कि वो जो है अमेरिका वाला देख के दंग रह गया. तो जापानी जो है उस पर तीन होल कर दिया उस तार पर जो कि आंख से दिखाई नहीं दे रहा, इतना महीन तार है उस पर तीन को क्या कर दिया, होल कर दिया, तीन छेद कर दिया. और उसका कहा कि इसको अमेरिका भेज दो. अमेरिका भेजा का तो आप जापानीज बहुत ही तेज. ठीक है इसी तार को भेजो इंडिया में, सुनते हैं कि वहां से आई एटी बहुत जाता है आया है. जब इंडिया में आया तो इंडिया वाला खोल के देखा बाप इतना महीन है. इस महीन में भी वो क्या कर दिया है, छेद कर दिया है तीन को. उसका तो घबराया करो के कुछ भेज दिया वहां. वहां जब भेज दिया कहा कि पूछा कि किया कि नहीं, कहा कि तो पता नहीं चला लेकिन गाली गई अमेरिकन से बैठ करके. उसको तब देखा दूरबीन से भी क्या है, लिखा कि मेड इन इंडिया. वो लिख दिया मेड इन इंडिया. जापानी होल किया तो हमारे यहाँ एक चावल पर रामायण लिखा हुआ मिलता है. सुनेंगे सुने आप देखिएगा मेला लगता है तो आप बैठा रहता है कि चावल के दाना पर आपका नाम लिख देगा. कोई कोई चावल के दाना पर रामायण का दोहा लिखे रहता है. हमारे यहाँ सब चीज का रिकॉग्निशन नहीं देता है लेकिन देखिए कितना बड़ा कला है कि चावल के दाना पर रामायण का दोहा लिख दीजिए. तो महीन तार पर तीन को छेद किया जापानी का क्या बहुत स्वरण आइडिया वाला उसको लिख दिया मेड इन इंडिया. अमेरिकन कहा कि भाई इस कंट्री से दोस्ती करना जरूरी है. आज देख रहे हैं एक जमाना था कि रूस से हम लोग दोस्ती रहा. श्रीमती इंदिरा गांधी जब थी तो 20 इयर्स पैक्ट था, फ्रेंडशिप पैक्ट. और भी हमारे यहाँ जो है तो हाउडी मोदी. तो इसलिए कहता है कि इकोनॉमी में आपको अगर माइन्यूट डिफरेंस होगा तो एज ए ह्यूमन एरर यू मे बी इनडिफरेंट. ऐसा बहुत आप देखिएगा बहुत चीजों में आपको कौन सा फूल लें. अब गुलाबी में कौन गुलाबी लें, थक जाइएगा सात गुलाबी देखा गया कौन दें. अब आप घड़ी देख रहे हैं कि हमको जाना है वैलेंटाइन डे. आई पूरा टाइम इसी में सिलेक्शन में बुझ जाएगा तो वहां दूसरे को गुलाबी देकर चला. वैलेंटाइन डे का भी टाइम रहता है ना, जो पहले पहुंचेगा देगा. हम लोग के पटना कॉलेज में एकदम अलकतरा देखे काला रंग पार्टी में घूमता रहता था. जहां को आवेगा वहीं में लगा देंगे. वैलेंटाइन डे नहीं माना गया, एक ग्रुप वहां ऐसा है कि नहीं मानेंगे और दूसरा ग्रुप है कि मानेंगे. इसी डर में जो समझदार आदमी है वो भाग चलता है. तो कहता है हिक्स कि मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो बेस करेगा इसी पर, लॉजिक ऑफ ऑर्डर पर, डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट पर. उसका बिहेवियर जो है इनकंसिस्टेंट नहीं. ही इज ऑन अल्फा एंड आफ्टर चेंज इन प्राइस ही शिफ्ट टू beta and his condition shifting from alpha to beta satisfying direct consistency test, satisfying logic of order, and therefore J.R. Hicks was considered to be Nobel Prize winner economist in 1972. That's all. Thank you.